हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। सामने जो पिक्चर दिख रहा होगा, ये सिग्नल है, होम सिग्नल। तो इसमें जैसे सी जो लिखा हुआ है, आपको जो दिख रहा होगा सी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये जो दिख रहा होगा आपको सी लिखा हुआ है, उसी को कॉलिंग ऑन सिग्नल। वहाँ पर एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है, वो कॉलिंग ऑन सिग्नल है। तो होम सिग्नल पर जैसे गाड़ी वगैरह रुक जाती है और उसके बाद जैसे स्टेशन पे रिसीव करना है गाड़ी को, तो उस दौरान जो है ये जो है कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है टाइमर चलता है और 60 सेकेंड जो है टाइमर चलते रहता है, 1 मिनट, जैसे 60 सेकेंड, 59, 58, इस तरीके का टाइमर चलेगा। उसके बाद जो है ये सिग्नल आ जाता है जब स्टेशन मास्टर वहाँ से ऑपरेट करेगा स्टेशन से। तो ये कॉलिंग ऑन सिग्नल है। या तो कोई मरम्मत का कार्य चल रहा है स्टेशन पे तो उसको रिसीव किया जा सकता है, या अदरवाइज दूसरे अगर गाड़ी को रिसीव करना वहाँ पर, तो कॉलिंग ऑन सिग्नल के थ्रू भी स्टेशन पे जो है गाड़ी रिसीव किया जाता है, अगर होम सिग्नल अगर नहीं दिया जा सकता है उस केस में। तो यही है कॉलिंग ऑन सिग्नल, और कॉलिंग ऑन सिग्नल का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है एक्चुअली जब रिपेयर वगैरह कार्ड चलता है। इससे क्या है, गाड़ी ज़्यादातर डिटेन नहीं होती है, स्टेशन पे रिसीव वगैरह हो जाती है गाड़ी, या आगे भी जा सकती है, इस तरीके का जो भी है। तो यही रहता है कॉलिंग ऑन सिग्नल का पर्पस। आशा करते हैं इस वीडियो के, आइए जो है होम सिग्नल के साथ लगा हुआ रहता है, ये ध्यान रखें। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।